करता हूँ, ठीक हो गए। अभी हम ऑफिस के पास हैं, तकरीबन ऑफिस यहाँ से तकरीबन जो है वो 4 किलोमीटर दूर है, और एक बड़े खूबसूरत व्यू था और बड़ी ठंडी हवा चल रही है अभी, और क्या व्यू है यार। रिजर्व जो है ना वाकई जो है ना गिलगित बल्तिस्तान का सबसे खूबसूरत ज़िला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। अभी इस टाइम हम हैं यासीन वैली में और हम काफ़ी लेट हो गए थे। रास्ते में हमारी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसके ब्रेक्स जो है ना वो काम करना छोड़ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना वो टाइम से हमें मैकेनिक मिल गया और हमने जो है ना उसको रिपेयर करवा लिया। तो हमें थोड़ा टाइम लग गया उधर, तो हम लेट हो गए, तो सही से जो है ना वो कैप्चर नहीं कर पाए। इंशाल्लाह ताला सुबह उठेंगे इसी से होटल से। तो हम जो है सुबह हमने जाना है, यहाँ पे फेस्टिवल है ऊपर कहीं किसी वाली वैली में फेस्टिवल हो रहा है, तो सुबह हम उधर जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपसे आपको फेस्टिवल की वीडियोस भी दिखाएंगे। हम जो है वो जा रहे हैं खाना खाने के लिए। होटल बड़ा वीआईपी है, नया ही बना है इधर यासीन में। तो अभी ये आपको मैं दिखाता हूँ कि हम जो है ना वो जूतियों के बगैर घूम फिर रहे हैं इस ना होटल में, और किसी ने भी चप्पल नहीं पहनी हुई क्योंकि वो होटल नया बना है। चप्पल जो है ना अपने बड़े बाहर के आनी है। खैर इसकी होटल की वाइब जो है ना वो बहुत मज़े की है। आपको मैं टूर दूंगा, पहले खाना खा ले फिर इंशाल्लाह ताला। ये होटल है यासीन व्यू होटल है ये इसका नाम, और ये बिल्कुल नया भी बना है होटल। तो मैं आपको जो है ना वो फटाफट से जो है ना वो इसका अंदर से ओवरव्यू देता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो है ना ये इसके क्या चार्जेस हैं, क्या सूरत हाल है। जूती उतारनी है, पे हमारा कमरा है, तो मैं आपको कमरा ही दिखाता हूँ पहले, ठीक है। ये मुजम्मिल भाई लिविंग एरिया में बैठे हुए हैं, दैट्स द लिविंग एरिया ऑफ फर्स्ट फ्लोर। ये हॉल है, ये भी डाइनिंग रूम है, और अभी मैं आपको अपना कमरे का जो है ना वो दिखाता हूँ। लेट्स सी, कमरा है ये बड़ा बेहतरीन कमरा है। इस टाइम जो है ना ये हमारे होटल के ओनर है, इस होटल में हम स्टे किए हुए थे। ये यासीन खास से इनका ताल्लुक है जी, यासीन तो खास वैली हमारा। आप कुछ बताना चाहें इस वैली में अगर लोग लोगों के लिए कोई टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो है उसके बारे में? बिल्कुल, ये हमारा जो यासीन का वैली है ये गिलगित से तकरीबन 120 किलोमीटर है, और आप आराम से किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, कोई ट्रैवलिंग का मसला नहीं है। तो यहाँ पे अभी यासीन पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमारा होटल है यासीन माउंटेन व्यू के नाम से। ये हमारा रिसेंटली 3 वीक्स बिफोर इसको हमने लॉन्च किया, तो अभी ये रनिंग है। तो अब यासीन में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स हैं। जैसे आप यहाँ से जाओगे, यहाँ पे एक तरकुत वैली है, ठीक है, जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह बहुत सारे मिनरल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद आप जब संधि जाओगे, संधि में एक जगह है जिसको हम मडूरी कहते हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल जो इस इलाके का है, जो जो डोगरा राज से जो आज़ादी हासिल हुई थी उस जगह में, वहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं आप देख लोगे वहाँ पे। उसके बाद आप अभी जो कुरकुलती में जो फेस्टिवल हो रहा है, मकुली जो फेस्टिवल है 2-3 दिन का, तो उस पर भी लोग बहुत सारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो एक पिकनिक पॉइंट है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें ट्रैकिंग के लिए यहाँ पर, तो आप जाओगे तो आप इंजॉय कर लोगे। ये इस टाइम हम होटल की बालकनी पे खड़े हैं, रात का टाइम है तो अभी बड़ी ठंडी हवाएं चल रही है। ये सारा सामने जो है ना अभी सुबह के टाइम नज़र आएगा, ये सारा जो है ना वो आगे सारा यासीन गांव है, तो
पहाड़ी भी वैसे नज़र नहीं आ रहे, तो ये बड़ा खूबसूरत गाँव है। सुबह इंशाल्लाह ताला इसके ड्रोन की फुटेज भी बनाएंगे, और जो है ना वो थोड़ा ये भी लेंगे इंशाल्लाह ताला।